वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, जैसे अधिकतर बच्चों की क्या है, ट्वेल्थ की एग्जाम हो चुकी हैं, कुछ फर्स्ट ईयर में है। हालांकि जैसा हमने टॉपिक डिस्कस किया था कि हम लोग ट्वेल्थ के बाद वाली चीज़ों को डिस्कस करेंगे, पर हम लोग केवल ट्वेल्थ ही नहीं, ट्वेल्थ के साथ जो फर्स्ट ईयर होगा जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, जो सेकंड ईयर का स्टूडेंट है, उसके लिए भी ज़्यादा उपयोगी है, ठीक है। पर सबसे पहले जिस लेवल की हम लोग बात कर रहे हैं वो ट्वेल्थ क्लास के लेवल की। जैसे ही हम ट्वेल्थ तक पढ़ते हैं, ठीक है, हो सकता है हम आप में से कुछ साइंस स्ट्रीम के होंगे, कुछ आर्ट्स स्ट्रीम के होंगे और कुछ कॉमर्स स्ट्रीम के होंगे। और जब तक हम लोग ट्वेल्थ की पढ़ाई करते हैं तब तक हम लोगों के अंदर खुद की समझ विकसित नहीं होती है। हम लोग क्या है कि जैसा पेरेंट्स ने डिसाइड किया है उसी आधार पर हम लोग निर्णय लेते हैं कि भाई हमें डॉक्टर की तैयारी करनी है कि इंजीनियर की तैयारी करनी है, है ना। और आजकल तुम धीरे धीरे आंकड़े देख रहे हो, हर पहलू पर हम लोग धीरे धीरे आते हैं कि लड़के ने इंजीनियरिंग की है ना, पहले 2 साल IIT के लिए कोचिंग की, है ना, जब कहीं नंबर नहीं लगा तो किसी भी प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग कर ली, 4 साल की डिग्री ले ली, और उसके बाद क्या होता है जरा देखो कि लमसम 6 साल खराब करने के बाद वो SSC की तैयारी कर रहा है। तो चुनौती ये है कि आप जब इंजीनियरिंग कर कर बैठे हो, 6 साल आपने पढ़ाई की थी और एक बहुत अच्छे ड्रीम के लिए, और आप उस लेवल की एग्जाम दे रहे हो जो आप ट्वेल्थ के बाद भी दे सकते थे, या 3 साल की ग्रेजुएशन जो आपने कभी BMA की होती, BCOM की होती या BSc की होती उसमें भी दे सकते हो। सबसे रीजन क्या है कि हम लोग सबसे अधिक मिसगाइडेड हैं, और मिसगाइडेड में एक मुख्य योगदान जिसका रहता है वो तो पेरेंट्स का है ना। हमारी समाज में बेसिक सिद्धांत है कि शर्मा जी अपना खुद का निर्णय नहीं लेते हैं कि क्या करवाना है लड़के को। शर्मा जी क्या है, वर्मा जी का लड़का क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है ना, और वर्मा जी ने क्या टोंट कसा है, उसके आधार पर शर्मा जी अपने उत्पादन का भविष्य निर्धारित करते हैं बेटा। और यही कारण है कि भविष्य अंधकार में चला जाता है। लमसम 10,000 पोस्ट निकलती हैं, यानी 10,000 पद होते हैं IIT के लिए, और इन पदों पर हम लोग देखें तो लमसम हर साल 15 लाख से भी अधिक बच्चे तैयारी करते हैं। और सबसे बड़ा जो करियर को लेकर डिसीजन रहता है वो इस ट्वेल्थ के बाद ही रहता है। आपके पास बहुत ऑप्शन है, आप चाहो तो आप MBBS कर सकते हो, आप चाहो तो आप BTech कर सकते हो, आप चाहो तो आप हो सकता है BA कर सकते हो, आप चाहो तो आप BSc कर सकते हो। पर ट्वेल्थ के बाद हम लोगों को ट्वेल्थ तक जो स्ट्रीम दिलाई गई थी वो साइंस हो चाहे आर्ट्स हो चाहे कॉमर्स हो, इसका निर्धारण कैसे किया गया था कि जो लड़का थोड़ा समझदार था रटने में, है ना, और जो रटने में समझदार था उसको हमने क्या किया, साइंस में माना अधिक ज्ञानवीर समझकर। जो थोड़ा मध्यम स्तर का बच्चा होता था उसे हम कॉमर्स के फील्ड में भेजते थे, और जो आर्ट्स स्तर का बच्चा होता था उसको हम लोग क्या है कि कमजोर समझकर इस आर्ट्स के अंदर पढ़ाई करवाते हैं, ठीक है। परंतु दिक्कत क्या है कि आज की जो अंतिम उद्देश्य है, यानी आप कोई भी स्ट्रीम पढ़ते हो तो अंतिम उद्देश्य है कि हमें नौकरी प्राप्त करनी है। जब नौकरी की बात आती है तो आप साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, ये मैटर नहीं करता है। परंतु सबसे प्रमुख चुनौती क्या है कि हमें नौकरी भी जो प्राप्त करनी है वो सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है। और जब बात सरकारी नौकरी की है तो फिर क्यों आप 4 साल अपने BTech के खराब कर रहे हो कि BTech की डिग्री की, या क्यों आप 4 साल MBBS की डिग्री लेकर डॉक्टर बनने का सपना रखते थे और उसके बाद 2-3 सेमेस्टर ब्रेक लगे, अपना निर्णय बदला और उसके बाद SSC की तैयारी पर उतारू हो ना। तो बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है आपको इस ट्वेल्थ के बाद। जब हम लोग कैरियर की बात करते हैं तो आज तक जो पढ़ाई हम लोग करते आए हैं वो एकेडमिक पढ़ाई है। एकेडमिक का मतलब क्या है कि हम लोगों को डिग्री चाहिए या फिर हम लोगों को बेहतर मार्क्स चाहिए। परंतु जब आप कैरियर की बात करते हो तो ये किसी भी व्यक्ति का सपना होता है बेटा। एक होता है सामान्य रोजगार। सामान्य का मतलब क्या है कि घर में जब बड़े लोगों को देखोगे जो 25-26 साल से ऊपर के हैं, जो अभी भी बेरोजगार हैं, आप देखना कि जैसे जैसे एग्जाम का फॉर्म निकलता है ना, अगर LDC का निकला है तो ये लोग LDC पढ़ाना शुरू, LDC की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही LDC के बाद अगर हम लोग बात करें कि फर्स्ट ग्रेड का निकला है तो ये लोग फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, सेकंड ग्रेड की निकला है तो सेकंड ग्रेड की। ये वो सामान्य रोजगार है।
इसका इस लड़के का अंतिम उद्देश्य एक ही है कि इसे कैसे भी कर सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है। कारण क्या है कि ट्वेल्थ तक तो इसने क्या किया था कि पिताजी के दबाव में चयन किया था। ट्वेल्थ के बाद जैसे ही पिताजी ने जो भी निर्धारित किया उसके आधार पर चला, परंतु इसकी जितनी भी ग्रेजुएशन हुई है वो केवल 1 वीक सीरीज के दम पर हुई है, और ये जो 1 वीक सीरीज है यही हमारे भविष्य के साथ सबसे अधिक खिलवाड़ कर रही है। आप खुद देखते हो कि राजस्थान विश्वविद्यालय से पढ़ा लड़का और दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े लड़के की तुलना जब करोगे तो इस लड़के के एटीट्यूड में अलग हमें बदलाव नजर आता है और इस लड़के के एटीट्यूड में बदलाव नहीं है। इतना फर्क केवल ये है कि जो पढ़ाई का स्तर है, जब आप सिलेबस की बात करोगे, किताबों की बात करोगे और ज्ञान के स्तर की बात करोगे तो वो तो बिल्कुल समान है। केवल जिस चीज का फर्क है वह है इस पढ़ाई के स्तर का फर्क। तो आपको यह समझना होगा कि हमें इस किन चीजों पर निर्णय लेना है, और बहुत महत्वपूर्ण है। जब सामान्य रोजगार की आती है तो इस जैसी हालात हमारी ना हो जाए, क्योंकि अभी तो छोटे हो, आगे चलकर जब इनकी उम्र में आओगे तो हो सकता है इस 1 वीक सीरीज के भरोसे चलोगे तो इसमें भी हमारा जीवन फिर इसी तरीके से बनेगा। और जब बात ड्रीम जॉब की आती है, यानी हर बच्चे का एक सपना होता है, अगर आपका सपना डॉक्टर बनने का है तो याद रखना कि आपको इस सपने को बदलना नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि 4 साल बाद आप लोग अपना सपना बदल रहे हो। पहले अपनी क्षमताओं का निर्धारण करो, और क्षमता का निर्धारण हमेशा सबसे महत्वपूर्ण चीज तो होती है रुचि के आधार पर। ये मत सोचना कि ट्वेल्थ में नंबर कितने आए हैं, क्योंकि देखो हमारे इस समाज में हम लोगों की एक परंपरा है, इस परंपरा के अनुसार हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सामान्य रूप से एक चीज पकड़ते हैं कि जैसे ही कोई लड़का ट्वेल्थ में 90% वाला है या 98% वाला है, ठीक है, 90% या 98% वाला लड़का है तो हम क्या करते हैं, इस लड़के के आधार पर चयन करते हैं, और 90% और 98% वाले को हम कहते हैं कि तू आईआईटी के लिए है या पीएमटी के लिए है, और जैसे ही लड़का 70% वाला होता है या 80% वाला होता है तो हम उसका निर्धारण कर देते हैं कि तू एसएससी बैंक के लिए है, और जिसके 60% से कम है उसको हम कहते हैं पहले पटवारी या एलडीसी की कुछ तैयारी कर, कहीं नौकरी लग जाए तो फिर आगे का सोचना। अब देखो क्या है, जब 90% वाला लड़का कहता है कि आईआईटी पास कर मुझे आईएएस की तैयारी करनी है या मुझे आरएस की तैयारी करनी है, तो इसको सब लोग सीरियस लेते हैं और इसकी बात को मान भी लेते हैं कि लड़का निकाल लेगा। और जब बात हम लोग 60% वाले की करें तो 60% में जो पटवारी या एलडीसी की तैयारी कर रहा है, अगर ये बच्चा कह दे कि नहीं मुझे आईएएस या आरएस की करनी है तो हम लोग इस बात को सीरियस नहीं लेते, हो सकता है परिवार वाले ही समर्थन ना दो। तो याद रखना ये जो पढ़ाई के नंबर आए हैं ये एकेडमिक पढ़ाई के हैं, इसे ज्ञान समझने की भूल मत कर देना। ये तो वो सूचना थी जो आपने 10 चैप्टरों से रटकर जितनी बेहतर लिख लिया, जिसको ज्यादा याद रहा उसने ज्यादा रख लिया और उस लिखने के आधार पर आपको नंबर मिल गए। अगर आपको अपने कैरियर का चयन करना है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपकी रुचि, आपका खुद का इंटरेस्ट किस चीज में है, और उस इंटरेस्ट के बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि देखो क्या होता है। कुछ लड़के 3 से 4 साल का सपना लेते हैं कि मुझे तैयारी करनी है और उसके बाद अपने सपने को बदल देते हैं। बहुत से लोग होते हैं आईआईटी पीएमटी में चले जाते हैं, उसके बाद 1.5 साल खराब करने के बाद वो लोग दोबारा किसी दूसरे फील्ड में आते हैं। तो आपको इन चीजों को सुधारने की आवश्यकता, ऐसा नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है और इस निर्णय को लेने से पहले आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा कि ऐसा ना हो 3-4 साल आपका खराब हो जाए। तो देखो बेस्ट क्या है, अगर हम लोग ट्वेल्थ के बाद हर ऑप्शन की बात करते हैं तो एक ऑप्शन तो हमारे पास है आईआईटी, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है पीएमटी के माध्यम से कोई डॉक्टर बनना, तीसरा ऑप्शन है कि हम लोग कोई बीए करें, बीएससी करें, और या फिर क्या करें, बीकॉम करें, और आजकल एक और है कि ट्वेल्थ के जस्ट बाद नौकरी प्राप्त करने का भी एक माध्यम है। जैसे आज आप बात करोगे इस सरकार में तो एलडीसी की जो नौकरी निकली है वो इसी आधार पर निकली है, रेलवे में नौकरी निकली है वो इस आधार पर निकली है। अब देखो क्या है, जब हमारे पास कैरियर को लेकर इतने ऑप्शन हैं तो जब आप आईआईटी की करते हो तो ट्वेल्थ के साथ आप जब तैयारी करने जाओगे तो 2 साल तो हम आप लोग तैयारी की मानकर चलते हैं, 2 साल के बाद 4 साल आपके लगभग इंजीनियरिंग के लग जाते हैं, और 6 साल करने के बाद अगर आपका सपना है किसी सरकारी नौकरी को प्राप्त करना और वो भी इस इंजीनियरिंग लाइन को छोड़कर किसी और को, तो इस लाइन में जाने का कोई फायदा नहीं बेटा कि आप 6 साल खराब कर रहे हो और उसके बाद वापस उस नौकरी की तरफ बढ़ रहे हो। अगर 6 साल दिए हैं तो आप या तो किसी निजी क्षेत्र के बड़े को आप प्राथमिकता दो, और या फिर क्या है
कि आप इस समय का निर्धारण पहले ही कर लो। सबसे बेस्ट क्या है कि ट्वेल्थ के बाद आप नौकरी के लिए तुरंत मत सोचो, क्योंकि ट्वेल्थ के बाद जो नौकरी होगी उसका स्तर बेहद कम होगा, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई का आंकलन करना है, रुचि का आंकलन करना है। और दो ऑप्शन बहुत बेहतर हो सकते हैं, अगर हम लोग आईआईटी पीएमटी की लाइन को छोड़कर किसी अन्य लाइन में प्रोफेशन में काम करना चाहते हैं, जैसे कल रिजल्ट आया है इस आईएएस का भी और आरएएस का भी, आप लोग निरंतर सुनते हो कि बहुत से लड़के ऐसे हैं जिन्होंने बीटेक की है, जिन्होंने एमबीबीएस की है, और उसके बावजूद वो लोग इसी फील्ड में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से इन्होंने क्या कर लिया है, इसे प्राप्त कर लिया है। तो आपको इन चीजों को देखने की आवश्यकता है कि आप जब आईएएस आरएएस के लिए इस फील्ड के बच्चे भी भाग रहे हैं, कारण क्या है, ये किसी भी व्यक्ति के लिए सामान्य नौकरी नहीं है, ये एक सपना है। और इस सपने को अगर अभी से पूरा करना है तो याद रखना, आप साइंस फील्ड के अच्छे हो तो आप बीएससी को प्राथमिकता दे सकते हो, आप आर्ट्स में अच्छे हो तो बीए को प्राथमिकता दे सकते हो, और कॉमर्स के हो तो बीकॉम को प्राथमिकता दे सकते हो, क्योंकि आज के पैटर्न का जो वेटेज है उसमें आर्ट्स, साइंस और जो कॉमर्स है, इन तीनों को मिलाकर ही 60% के लगभग सिलेबस होता है, 20-20% तीनों का ही वेटेज है, और जो 40% वेटेज होता है वो आपका करंट बेस होता है, यानी न्यूज़पेपर पर जो किसी ने नहीं पढ़ा है। तो हमारे लिए बेहतर क्या है कि जब हम, जैसे बहुत से लोगों ने सुना होगा, जब आप आरएएस या आईएएस की बात करते हो तो आपको कहते हैं कि आपको बीए करना है, आप साइंस फील्ड से हो और आपको बीए में भेजने की बात करते हैं, तो याद रखना ये बहुत गलत चयन होगा। आप जब साइंस फील्ड से हो तो आप बीएससी में ही अपना ऑप्शन तैयार रखो, ताकि आपके पास कैरियर के दो विकल्प रहें, और जब दो विकल्प रहते हैं तो आप कुछ बेहतर करने में सक्षम रहेंगे एक साइंस फील्ड का। और रही बात आरएएस आईएएस की, तो इस साइंस का योगदान 20% है, आर्ट्स का योगदान 20% और कॉमर्स का योगदान 20% है, तो आपके लिए बिल्कुल बेहद सामान्य होगा, कोई खास बदलाव नहीं है। जाहिर सी बात है, जितना ये साइंस वाला हिस्ट्री पॉलिटी से डर रहा है, उतना ही आर्ट्स वाला साइंस और मैथ से डरता है, तो वेटेज बिल्कुल बराबर है, यहाँ बहुत सामान्य से अध्ययन की बात है। और वो लड़के जो ये सोच रहे हैं कि हमें किसी भी तरीके से क्या करना है कि ट्वेल्थ के बाद कोई भी सामान्य नौकरी प्राप्त करनी है, तो उनको क्या करना चाहिए कि अपनी स्नातक का चयन करने के बाद, ग्रेजुएशन का चयन करने के बाद, आपको पहले ही वर्ष से क्या करना चाहिए, एक तो जो ग्रेजुएशन की किताबें हैं वो वन वीक सीरीज के भरोसे ना पढ़कर, जो वास्तविक रिफरेंस बुक आपको दी गई हैं इस सिलेबस की, आप उनको पढ़ें, और जितना ज़्यादा आप क्लासेज लगाएंगे कॉलेज परिसर में उतना ही बेहतर होगा। और ये पढ़ने के बाद आप क्या कर सकते हो, एक नई चीज़ आप कर सकते हो इस रिफरेंस बुक के साथ में, कि आपको पहले ही साल से 2-3 घंटे डेली इस नौकरी की तैयारी करनी चाहिए। मैं अगर आपको आरपीएससी के एग्जाम के हिसाब से बताऊं, जिसमें एक मैं आरएस को छोड़ दूं, तो अन्य एग्जामों को हम अगर 12 महीने की एक तैयारी करते हैं, जिसमें कुछ कोर सब्जेक्ट्स को कवर कर लेते हैं, कोर सब्जेक्ट्स का मतलब कि जो महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि हिंदी को कवर करना, इंग्लिश को कवर करना, मैथ्स को कवर करना, रीजनिंग कवर कर लेना, साइंस कवर कर लेना, पॉलिटी को कवर कर लेना, ज्योग्राफी को कर लेना, हिस्ट्री को कर लेना, जब ये सामान्य सी सब्जेक्ट हैं, इनको जब हम कवर कर लेते हैं, ये कोर सब्जेक्ट हैं, तो आप मानकर चलो कि 12 महीने एक बार इनको संपूर्ण रूप से पढ़ लो, हर प्रतिस्पर्धा की एग्जाम के हिसाब से, और उस एग्जाम के हिसाब से पढ़ लेते हो तो 12 महीने बाद किसी भी नौकरी को आप देने में सक्षम रहेंगे, और वो आपको प्राप्त भी होगी। इसके प्रमाण देने की भी जरूरत नहीं है। आप सुनते हो कि जो एक एग्जाम में सेलेक्ट हो जाता है वो बार बार दूसरी एग्जाम में भी सेलेक्ट हो जाता है, और बहुत से ऐसे हैं जिनका चयन एक बार भी नहीं हुआ, 8 साल से पढ़ रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, जब हम एकेडमिक पढ़ाई करते हैं ट्वेल्थ लेवल तक की या ग्रेजुएशन लेवल तक की, तो जो किताब से रटा वह सर्वोपरि है, उससे बढ़कर कुछ भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। परंतु जब नौकरी के लेवल की बात करोगे तो हर संस्था की अपनी एक उपयोगिता होती है। जैसे कि मैं आपको बात करूं कि अभी आपके सामने एक वैकेंसी है एलडीसी की, जो ट्वेल्थ पास है, आने वाले दिनों में कुछ में पटवारी की आएगी, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आपके सामने फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के टीचर की वैकेंसी है, और आपके सामने एक पद जो है वो सामने है आरएएस का। अब जरा ध्यान से देखो, अगर हम एक विषय का अध्ययन करें पॉलिटी का, तो ये जो संविधान है, ये जो राजनीति है, ये इन सभी का सिलेबस का पार्ट है। इसमें कोई पंचायती राज का टॉपिक है, इसमें शेष कोई पॉलिटी है, और इसमें भी पॉलिटी है,
और इनकी एग्जाम की बात करें तो लमसम आरपीएस या उससे संबंधित संस्थाएं एग्जाम करवाती हैं। तो अब जरा देखो, नौकरी कराने जो नौकरी की एग्जाम होगी वो कराने वाली संस्था एक है, सिलेबस का नाम केवल पॉलिटी है, परंतु सबका अपना अपना स्तर है। ये आरपीएस जब चयन करने जाएगी तो आरएस से कभी ये उम्मीद नहीं करती है कि वह ये याद रखे कि राष्ट्रपति कुल कितने बनने थे, कब कब बनने थे, क्योंकि आरएस बनाने के बाद हम आपसे ये नहीं पूछेंगे कि जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए या जहां अपराध हो रहा है वहां संविधान की परिभाषाएं बताइए। इसको ये संविधान पढ़ना है, ये समझना है और ये देखना है कि कानून की उपयोगिता क्या होती है, उसको व्यवहार में कैसे लागू करना है। और जब फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड वाला पढ़ रहा है तो उसको ये संविधान इसलिए पढ़ना है कि आगे चलकर उसे ये ज्ञान के रूप में किसी और को देना है, उसे अपने इस ज्ञान को क्या करना है, किसी और को देना है। तो देखो, ये अपने ज्ञान का प्रयोग करेगा समझ के लिए, ये अपने ज्ञान का प्रयोग करेगा दूसरे के ज्ञान का विस्तार करने के लिए, तो जाहिर सी बात है इसकी जो बेसिक्स होंगी वो बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए और इसकी बेसिक्स केवल सामान्य रूप से क्लियर होनी चाहिए। जब बात पटवारी की करते हो तो कभी भी अनुच्छेद 1 से लेकर 395 पटवारी लगने के बाद कोई नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा कि पटवारी होने के नाते किसी ग्रामीण क्षेत्र में सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन से फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। इस आदमी में इस चीज की समझ होनी चाहिए क्योंकि यही वो एक व्यक्ति होगा जो स्थानीय स्तर पर लोगों से जुड़ेगा। तो ये जो सब्जेक्ट होती है इनका अपने आप में एक अप्रोच होता है। और क्या होता है कि जैसे इस राष्ट्र में असफलता का जो सबसे प्रमुख कारण है, जो मैंने अपनी समझ के अनुसार विकसित किया है या जो लोगों से मिलकर विकसित किया है, कि असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है कि जैसे ही थोड़ा सा ज्ञान हम लोगों के अंदर होता है तो हम लोग क्या है उस ज्ञान का विस्तार दूसरों में करने का प्रयास करते हैं। याद रखना कि सफलता का एक ही मूल मंत्र होता है, पहला आपको सेल्फ मोटिवेटेड होने की आवश्यकता है, यानी आपको कोई प्रेरित नहीं करेगा, आपको खुद अपने आप में आत्मसमर्पण और अपने आप में आपको क्या करना है कि आत्मविश्वास को विकसित करने की आवश्यकता है। मैं किसी का आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कल आपने देखा कि आईएएस टॉपर निकला है और निकलने के बाद एक इंटरव्यू में, हालांकि बाद में कुछ में अलग है कुछ में अलग है, पर जो भी है एक इंटरव्यू में कहा गया है कि लमसम वो 18 घंटे पढ़ता था और वो पहले से एक आईआरएस अधिकारी था, यानी 8 से 9 घंटे की तो वह प्रशिक्षण पीरियड की अपनी जो नौकरी है वो पूरी कर रहा था और उसके बाद वो 18 घंटे पढ़ लेता था, है ना। शायद रामदेव के कहने पे 6-7 घंटे लोग सोते भी होंगे ना, वो कहता है कि जरूरी है नींद लेना भी ना। तो उसके बाद ये 24 घंटे के बाद का समय किसके पास होता है, ये थोड़ा मेरे समझ के बाहर है। ये केवल क्या होता है कि हो सकता है आप में डर पैदा करे कि 18-18 घंटे पढ़ना पड़ता है, सामान्य सी नौकरी है, 5-6 घंटे की जो वास्तविक पढ़ाई है वही बहुत है, याद रखना। तो आपको कोई मोटिवेट करे या डिमोलाइज करे उससे क्या फर्क पड़ता है, हम हमारे करियर के लिए खेल रहे हैं, हम हमारे भविष्य को बेहतर करने के लिए सोच रहे हैं, तो हमें पहला काम तो सेल्फ मोटिवेटेड होने की आवश्यकता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है इस मोबाइल युग में, इस फेसबुक व्हाट्सएप के युग में हमें सेल्फ रेगुलेटेड होने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी 12th से बाहर निकले हो तो 12th तक तो क्या होता है किसी भी बच्चे के ऊपर उसके टीचर का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, बहुत बड़ा डर होता है, माता पिता का भी डर होता है। आप में से बहुत से ऐसे होंगे जो आप परिवार से भी दूर रहेंगे, कुछ फ्रीडम में रहेंगे, और जैसे ही हम ग्रेजुएशन में आते हैं बच्चा रिलैक्स फील करता है क्योंकि पढ़ना तो राजा वन वीक सीरीज से है, वो भी आखिरी महीने में, और तब तक हम जब स्वतंत्र होते हैं तो क्या होता है कुछ नई नई चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं जो हमारे लिए सबसे नकारात्मक पहलू है। हमें जानने की जरूरत है वो क्या है कि हमें एक सही दिशा में चलना है, जिंदगी को बराबर जीना है, सामाजिक जीवन को भी बराबर जीना है, परंतु अपने कैरियर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना। इसलिए सेल्फ रेगुलेटेड होने की बहुत जरूरत है, याद रखना, क्योंकि जब फ्रीडम ज्यादा मिलेगी तो नकारात्मक चीजों को हम आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। भाई आप खुद सोचो, आपके सामने मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, एक नौकरी है वह आईएएस की, इस नौकरी की तैयारी के लिए आपको पहला प्री का स्तर पास करना होगा, फिर मेंस का स्तर पास करना होगा, फिर आप इंटरव्यू को पास करोगे और ये भारत का सबसे बड़ा पद होता है, यानी इस पद से सर्वोपरि कोई पद नहीं है, परंतु आपको 3 स्तर की एग्जाम पास करनी होगी, उसके बाद कोई सामान्य सा 35,000 से 40,000 का वेतन मिलेगा, कुछ पुराना सा क्वार्टर मिलेगा, हो सकता है अब जैसे आपको एक कार मिलेगी
एक सुरक्षा गार्ड भी मिल जाए, है ना। पर ये सब तब मिलेगी सुख सुविधाएं जब आप प्री मेंस इंटरव्यू जैसे 3 स्तर की एग्जाम को पास करोगे, जिसकी तैयारी में मिनिमम 12 महीने लग जाते हैं, मैक्सिमम 5 साल भी लग जाते हैं, आप पर निर्भर करता है। यानी 12 महीने तो न्यूनतम आवश्यकता है और 12 महीने की प्रक्रिया है, यानी लमसम 2 साल के बाद आपको ये नौकरी प्राप्त होगी। और आपको कह रहा हूं एक दूसरी नौकरी है, नाम है ISIS। कुछ नहीं करना, हाथ में AK-47 लेनी है, जितने मार सकते हो उसके आधार पर चयन होगा और आप इस एरिया के कमांडर बनोगे। आपको 10-15 फॉर्च्यूनर दी जाएंगी, आगे पीछे 40 से 50 जनों का लाव लश्कर होगा, आपकी सुरक्षा गार्ड में तैनात होंगे। तो देखना, जब इन दोनों को मैं उदाहरण दे रहा हूं तो अधिकतर के दिमाग में चल रहा है कि बेहतर क्या है, ISIS को ही ज्वाइन कर लूं क्योंकि ये आसान चीज है। मैंने पहले ही कहा था कि नकारात्मक चीजें हो सकता है लंबे समय के लिए ना टिके, परंतु स्वीकार करने में सबसे आसान होती है, और जो कठोर होती है वह होती है सकारात्मक चीजें। इनको आपको स्वीकार करने में समय लगता है, परंतु स्वीकारने के बाद भविष्य बहुत बेहतर होता है। तो आपको चयन इसी आधार पर करना है बेटा कि 12th के बाद एक तरीका तो है आप आजाद जीवन जीवो, राजा वन वीक सीरीज के भरोसे एग्जाम दो, और 3 साल जैसे ही ग्रेजुएशन हो जाए, पिताजी का दबाव बनने लगे कि अब नौकरी जरूरी है, तब जाकर किसी कोचिंग संस्था को ज्वाइन कर 1.5 साल निकाल दो, और उसके बाद जैसे ही 27-28 साल के हो जाओ तो बेरोजगारों की उस संख्या में शामिल हो जाओ जो किसी काम के नहीं है। और जैसे ही आप 12th के बाद की बात करोगे, दूसरा ऑप्शन क्या है कि अपने स्वतंत्र जीवन को सम्मानतर जीवो, और उसके साथ अपने करियर को लेकर जो रुचि है उस अभिरुचि को अभी से विकसित करना क्या करो, शुरू करो, तो आपके लिए शायद बहुत बेहतर होगा। इसलिए इस 12th के बाद जो भी चयन करना है याद रखना बहुत सोच समझ कर, ये नहीं कि पिताजी ने कहा IIT, पिताजी ने कहा PMT, क्योंकि आपने खुद सुना होगा। आपको मैं एक व्यवहारिक उदाहरण देता हूं, आप सुनते हो कोटा जैसे शहर में हर साल सुसाइड होता है, कभी तुमने नहीं सुना होगा कि पटवारी LDC या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले ने सुसाइड किया होगा, क्योंकि ये जानता है जीवन अनमोल है, बेरोजगारी तो यूं ही बनी रहेगी, है ना। और गरीबी बेरोजगारी ये तो हमें विरासत में मिली हुई चीजें हैं, इनको लेकर जीवन को क्यों खत्म करना, क्योंकि हर 3 महीने बाद कोई ना कोई भर्ती होगी, किसी ना किसी में ट्राई मारेंगे, जीवन सफल होगा तो ठीक है और नाकाम तो चल ही रहा है। और इस लड़के की दिक्कत क्या है, जब अधिकतर तो इनमें से 10th पास होते हैं, फिर भी अपन अगर 12th पास माने तो इसके अंदर तुरंत क्या होता है, गुरु के प्रति बहुत सम्मान होता है, और जब से इसने किसी बड़ी संस्था या किसी भी संस्था में प्रवेश लिया तो गुरुजी को पहली एक ही चीज सिखाई जाती है कि अगर अंदर 40 बैठे हैं तो 40 से 38 हो गए तो वेतन कम हो जाएगा, और 40 से अगर 42 कर दोगे तो निरंतर वेतन बढ़ेगा। तो गुरुजी पहले ही दिन आता है और कहता है देखो मेरे सामने जो बैठे हैं, कोई IIT रुड़की का है, कोई IIT दिल्ली का है, कोई IIT मुंबई का लड़का बैठा है, और वो उनको प्रोत्साहन करता रहता है। एक अंधविश्वास एक अंधकार में धकेलता जाता है, और 2 साल की तैयारी के दौरान कभी भी उस चीज के अंदर चीजों को विकसित नहीं कर पाता है कि जब वो बच्चा फेल होता है तो वो इस चीज को स्वीकार कर ले। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत पढ़ाते हैं, पर दिक्कत क्या है कि एक शिक्षक होने के नाते सबसे महत्वपूर्ण दायित्व होता है किसी भी व्यक्ति का कि आपको बच्चे की क्षमताओं के अनुसार केवल आर्थिक लाभ नहीं देखना है, आपको यह भी देखना है कि राष्ट्र का सर्वोच्च पद एक शिक्षक होता है जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है। आपको उस बच्चे की क्षमताओं के अनुसार उसे बताने की आवश्यकता है कि बेटा IIT PMT अगर नहीं निकाल सकता तो जीवन का अंतिम छोर यही नहीं है, इसके अलावा भी जीवन में बहुत ऑप्शन है, क्योंकि जीवन 18-19 साल तक सीमित नहीं होता, आपके जीवन को बनाने के कम से कम आपके पास 30 से 40 साल का समय होता है, और तू तभी पहली सीढ़ी पर है, जितनी ज्यादा ठोकर खाएगा शायद उतना ही बेहतर जीवन निर्माण करने में क्या हो जाएगा, सक्षम। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जब भी कोई निर्णय लेते हो अपने पिताजी से सबसे आप विचार विमर्श करो, ऐसा नहीं है कि पड़ोसी ने कहा कि आपको ये करना है और आप उसी के दबाव में जी रहे हो। ये समाज है, हो सकता है सकारात्मक ऊर्जा कम दे और नकारात्मक ऊर्जा आपको ज्यादा मिले, परंतु आपको हर इस साधन की उपयोगिता की आवश्यकता होगी। और माता पिताओं से भी मेरी एक अपील है, किसी भी लक्ष्य का जब आप निर्धारण करते हो अपने बच्चे के लिए तो आप केवल अपनी समझ के आधार पर या जो आपने उसको बचपन से लेकर आज तक सोचा उसके आधार पर बच्चे पर अपने लक्ष्य को या अपने सपने को आरोपित करने की कोशिश मत करो। आप उस बच्चे की क्षमताओं के अनुसार उसकी अभिरुचि के अनुसार एक बार साथ देकर तो देखो, क्योंकि इतना क्षेत्र है, इतनी चीजें हैं कि आप बहुत ज्यादा बेहतर करवा सकते हो उस बच्चे के अंदर। उसका बेस्ट निकालने के लिए आपको उसके इंटरेस्ट को बाहर निकालना पड़ेगा, तो आपको चयन बहुत सोच समझ कर करना है इस करियर का, जो आप लोगों के लिए बहुत बेहतर होगा।
आज की कक्षा में हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे, आगे एक एक नौकरी पर हम लोग डेली इस एक चैनल के माध्यम से धीरे धीरे इस सामाजिक क्षेत्र का हम प्रयोग करेंगे और आपके बेहतर भविष्य के लिए जो उचित ज्ञान या जो क्षमता मेरी होगी मैं आपको निरंतर मार्गदर्शित करता रहूंगा। धन्यवाद।